कुशीनगर में भ्रष्टाचार के कई मामले सुर्खियों में रहे हैं। सीबीआई की जांच आज भी जारी है और फिर भी बेताल उसी डाल पर अभी भी बैठा है। कुशीनगर के खड्डा तहसील में स्थित रोहुआ पुल के स्थान पर दूसरा पुल नहीं बनने से लगभग 50,000 लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालकर उस नाले को पार करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई रेता क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को होती है। महज 4 किलोमीटर की दूरी के बदले ग्रामीणों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वह भी घने जंगलों के बीच। लगभग 4 वर्ष से यह प्रकरण चल रहा है, इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों को रेता क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों से कोई सरोकार होता नहीं दिख रहा है। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र में स्थित रोहुआ नाले पर मनरेगा की गाइडलाइन को दरकिनार कर लगभग 69 लाख रुपए की लागत से रोहुआ पुल का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया गया। पुल का निर्माण शुरू हुआ तो शाहपुर, नारायणपुर, शालिकपुर, बकुलाहदह, मरिचहवा समेत रेता क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए नाले पर इस पुल की स्वीकृति हुई। रेता क्षेत्र के लोगों तथा इस इलाके में खेती करने वाले किसान बहुत खुश हुए, लेकिन किसानों की खुशी बहुत दिन तक नहीं रह पाई। निर्माण के साथ ही यह पुल फरवरी 2011 में दरक गया। मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में आया। यह बता दें कि मनरेगा के धन से इतने बड़े पुल का निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था इस पुल को बनवाने के लिए अधिकृत है भी नहीं। पुल निर्माण से जुड़े कई जिला स्तरीय अधिकारियों, अवर अभियंताओं, नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। जांच अभी भी जारी है। इतना सब होने के बाद भी जनता की दुश्वारियां ज्यों की त्यों हैं। पुल निर्माण की बात पर्दे के पीछे चली गई है, जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच के दौरान रोहुआ पुल के स्थान पर दूसरे पुल के निर्माण की बात कही गई थी। जनता का गुस्सा कम करने के लिए जिला पंचायत ने कुछ ह्यूम पाइप भी नाले में डलवा दिया था। ऐसा है कि जो पानी हल के आते हैं, पानी हल के जाते हैं, हम लोग बरसात में तो इतना आता है कि 40 किलोमीटर तक हम लोग उधर से आते हैं, मदनपुर से होकर बिहार होकर आते हैं। ये 5 किलोमीटर जो कहना हम लोग आए दूरी। रोहुआ पुल तो स्पष्ट है कि पुल धंस गया और जिला पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि उतना बड़ा पुल बनाए। वह पुल लगभग 70 लाख रुपए की लागत से बना था, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ के वो ढह गया। इसके बाद से लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, लगभग 50,000 की संख्या में लोगों को, जनसंख्या लोगों को प्रभावित है। कुशीनगर के जिलाधिकारी लोकेश एम का कहना है कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए पुल का एस्टीमेट बनवाकर शासन को भेजा जाएगा। ग्रामीणों को काफ़ी समस्या झेलना पड़ रही है, तो वहां पर हम नया पुल बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार करने के लिए कार्यदायी संस्था को कहा गया है। वो अभी प्रोसेस में है, जैसे ही वो एस्टीमेट तैयार हो जाएगा हम शासन को उसको पुटअप करेंगे।